यहाँ पे बैठा है, सरासर एक राजनीति है। मुख्यमंत्री जो बात पे बैठे हैं ये उनकी नाटक और नौटंकी है। उन घटनाओं से मन दुखी है, व्यथित है, क्योंकि मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ। देश के दिल में किसान क्रांति का 10वां दिन सीधे तौर पर प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री इस गोलीकांड नरसंहार के लिए जवाबदेह है। जिस तरह घनश्याम धाकड़ को रास्ते में से उठा के दरबलता पूर्वक उसका मर्डर कर दिया है। मध्य प्रदेश में थम क्यों नहीं रही आंदोलन की आग। जो षड्यंत्र होता है कभी कभी कामयाब हो जाता है, तो कांग्रेस का षड्यंत्र कामयाब हो गया। किसानों की हत्यारी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। शिवराज का उपवास, किसानों को कितना विश्वास। किसान को लाभकारी मूल्य देने में मध्य प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पर मुकदमा चलना चाहिए। किसान क्रांति पर क्या है सरकार की सोच। मध्य प्रदेश में किसान के कर्ज माफी का कोई स्थान नहीं बनता। कांग्रेस सिचुएशन बिगाड़ रही, अपना पाप दूसरे के मत्थे डालना। पुलिस की गोली से 6 मौतों के गवाह बने मंदसौर में कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालात सामान्य होने की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि वो कौन लोग हैं जो आंदोलन की आग को बुझने नहीं देना चाहते हैं। आप रहिए हमारे साथ, आपको किसान आंदोलन और इसके पीछे चल रही राजनीति की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। उपवास से बुझेगी साजिश की आग। नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संकट कम होने के बजाय बढ़ गया है, क्योंकि दिल्ली में हुई किसानों की बैठक में आंदोलन को तेज करने का फैसला किया गया है। बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 16 जून को देश भर के हाईवेज पर चक्का जाम का ऐलान किया गया है। साथ ही देश भर के 62 किसान संगठनों ने कहा है कि देश के 7 राज्यों के किसान अब एक साथ मिलकर अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रदर्शन करने वालों को उपवास के जरिए जवाब देने की कोशिश की है। भोपाल के दशहरा मैदान में उपवास पर बैठे शिवराज ने किसानों से मुलाकात की, तो भोपाल में ही कांग्रेस ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और दिल्ली में भी शिवराज सिंह का विरोध हुआ। भोपाल में शिवराज उपवास पर बैठे और किसानों से मुलाकात की। शिवराज ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की सरकार है और वो किसानों के साथ अन्याय नहीं करेगी, लेकिन दिल्ली से शिवराज सिंह चौहान के लिए बुरी खबर आई। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी की अगुवाई में 62 यूनियनों की बैठक में आंदोलन को तेज करने की धमकी दी गई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। किसान मजदूर संगठन ने अपना रुख और सख्त करते हुए शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की है। हर कौन बनाता हिंदुस्तान, हर का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, हर का मजदूर किसान। पूरे प्रदेश के किसान ध्यान से सुन ले, किसानों को लाभकारी मूल्य देना मध्य प्रदेश की धरती पर सुनिश्चित कर दिया जाएगा। किसानों की हत्यारी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जाए, ये प्रस्ताव पास किया गया। वहीं उड़ीसा पहुंचे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के काफिले पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके, तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईवे को जाम करने की कोशिश की। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के बयान ने किसानों में हलचल बढ़ाने का काम किया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि जब किसानों से ब्याज नहीं लिया गया तो कर्जा क्यों माफ होगा। मध्य प्रदेश में किसान के कर्ज माफी का कोई स्थान ही नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता कि हमने जब 2008 में मैं मिनिस्टर बना तो हमारा जो घोषणा पत्र था उसमें हमने कहा था 3% ब्याज दर पर कृषकों को अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा, उसको हमने लागू किया। हमने 5 साल में उसको पालन करना था लेकिन हमने दूसरे साल उसी साल 3% कर दिया। बीजेपी का कहना है कि किसान आंदोलन शिवराज सरकार की नाकामी नहीं है बल्कि कांग्रेस अपनी साजिश में कामयाब हो गई है। इस आंदोलन को हाईजेक कर लिया कांग्रेस ने और कुछ असामाजिक तत्वों के साथ हिंसा फैला दी, तो निश्चित रूप से जो षड्यंत्र होता है कभी कभी कामयाब हो जाता, तो कांग्रेस का षड्यंत्र कामयाब हो गया। मैं इसको सरकार की असफलता नहीं मानूंगा पर कुछ लोगों का षड्यंत्र था जो कामयाब हो गया। दिल्ली में शिवराज के विरोध में नारेबाजी हुई और शिवराज के उपवास को नाटक करार दिया गया। शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पे बैठना है सरासर एक राजनीति है जो वो अपनी राजनीति यहाँ पे चला रहे हैं ताकि किसान अगली बार उनको किसानों से वोट मिल सके। पहले वो किसानों पे गोली मारते हैं और फिर अनशन का नाटक करते हैं। हम मांग करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जल्द से जल्द माफी मांगे। हालांकि राहत की बात ये रही कि 6 मौत देखने वाले मंदसौर में अब हालात सामान्य हो रहे हैं और सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि रात का कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। इलाके के लोगों का कहना है कि किसानों का आंदोलन तो शांतिपूर्ण था लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे हिंसक बना दिया। किसानों का कोई हाथ नहीं हो सकता, हमारे गांव में भी हड़ताल हुई थी पर हमारे गांव में ऐसा नहीं किया किसानों ने, सिर्फ रोड वगैरह जाम किए हैं। बीच में इसमें उपद्रवी आ गए हैं और इन्होंने आके पूरा माहौल खराब कर दिया, आंदोलन को खराब करने के लिए इन्होंने पूरा माहौल खराब किया। शिवराज सरकार के लिए ऐसे नाजुक वक्त में संघ ने कहा है कि शिवराज सरकार को बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। तो किसान होंगे, उन किसानों के दाता उनसे मिलना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, चर्चा से ही मार्ग निकलेगा, हिंसक आंदोलन से मार्ग निकल नहीं सकता। मध्य प्रदेश में किसानों की मांग है कि उनका कर्जा माफ किया जाए, फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, जमीन के बदले मुआवजे पर कोर्ट जाने का हक मिले और दूध के रेट बढ़ाए जाएं। किसानों को बाजार में सही रेट नहीं मिलता तो सरकार बोनस दे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस किसान आंदोलन के जरिए पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है और आंदोलन को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से निकालकर देश के बाकी राज्यों में भी फैलाने की तैयारी कर चुकी है। हमने कल भी आपको कांग्रेस के 3 नेताओं के बयान दिखाए थे जो गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा आग में घी डालने की है। ये दम रखना कि अगर एक भी गाड़ी आ जाए तो आग लगा दो। एक-एक बात करोगे, एक-एक करोगे। शांति का बोला था, मैंने वो गारंटी दी थी, गारंटी है कुछ नहीं होगा। हालांकि किसानों को भड़काने के बाद अब कांग्रेस सरकार को बातचीत का रास्ता दिखा रही है। मेरा शिवराज सिंह जी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इसके बजाय सारे किसान संगठनों से मिलते, विपक्ष को भी बिठाते, प्रदेश हम सबका है, आपका भी है, आप मुखिया हो हमारे, हम सब मिलके इस बात को करते कि ये वायलेंस कैसे कम हो। किसान मजदूर संघ का दावा है कि किसानों के आंदोलन में अब 7 राज्यों के किसान हाथ मिला चुके हैं। 7 राज्यों में मध्य प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन चालू कर दिया है और अब पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ होने जा रहा है। किसानों के आंदोलन की आग को अगर जल्द शांत नहीं किया गया तो सिर्फ बीजेपी शासित कुछ राज्यों के लिए ही नहीं, मोदी सरकार के लिए भी ये बड़ी चिंता का सबब साबित हो सकता है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमने उन चेहरों को भी बेनकाब किया है जो आंदोलन की इस आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सियासी फायदे के लिए। लेकिन हमारा यहां पर सवाल शिवराज सरकार से भी है कि क्या उपवास से ये आंदोलन शांत हो जाएगा? जो लोग इस आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और साथ ही साथ किसानों से बातचीत कर इस समस्या का हल जल्द निकाला जाए, नहीं तो आंदोलन की ये आग और राज्यों में भी पहुंच जाए।